तो ये एक हेरिटेज होटल है, मतलब कि बहुत पुराना घर है ये, स्टेंटोन हाउस होटल। और कल रात को ही हमने बुकिंग किया इसका, और हमें मिला 53 पाउंड में एंड मूवमेंट डील। अदरवाइज दिस इज़ वन ऑफ एक्सपेंसिव होटल इन दिस एरिया। आप देख सकते पूरा स्टोन में ही है। हेलो गाइस, तो हम निकल चुके हैं डे टू की ट्रिप के लिए वन ऑफ द स्मॉल टाउन वॉरसेस्टर, जो पोर्ट मॉर्ट के काफी नजदीक है, और यहाँ से हमारी होटल से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है। विंसेस्टर टाउन पे हम लोग अभी पहुंचने को हैं। अभी 2 माइल का रास्ता बाकी रह गया है, और जो रास्ता था मोस्टली हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट होते हैं, थोड़े विलेज साइड के भी रोड आए हमारे जीपीएस सिस्टम में। यस यशिका, वी आर कमिंग। और ये है विंचेस्टर में एक मल्टी स्टोरी पार्किंग एरिया, बहुत टाइट पार्किंग है, ऐसी फालतू पार्किंग रहती है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग माइग्रेटेड बर्ड, और मैं जुगल सोलंकी। आज हमारा दूसरा दिन है साउथ इंग्लैंड की रोड ट्रिप में, और हम अभी है विंचेस्टर टाउन, जो कि है बिटवीन कोस्ट वॉल और साउथ पोर्ट माउथ के बीच में है ये। तो ये प्लान नहीं था कि यहाँ पे हम आने वाले हैं, पर बीच में एक स्टॉप चाहिए था हमें, तो हम लोग यहाँ पे रुके। लगता है ये हिस्टोरिकल टाउन है, तो देखते हैं आगे इस टाउन में क्या क्या है। हम यहाँ पे है तकरीबन 2 घंटे, उसके बाद पोर्ट मॉल जाएंगे। तो ऊपर एक पूरा घर है, और नीचे से पूरा कैनल जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा ब्रिज के ऊपर घर बनाया है। तो पूरे कैनल के बाजू में बहुत सारे यहाँ पे घर है, देख सकते हैं, और ये बहुत पुराने हैं। आई थिंक तकरीबन 150-200 साल घर पुराने हैं, और मोस्टली यहाँ पे ऐसा रहता है कि जो कंपाउंड वॉल है वो रहती नहीं कोई भी घर को। मोस्टली घर अगर सिटी सेंटर के अंदर है तो वहाँ पे कहीं पे भी नहीं होता है, तो इसीलिए बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और दूसरा रहता है कि सब घर सेम कलर, सेम कलर टेक्सचर और जो मटेरियल रहते हैं उसमें रहता है, जैसे कि अभी ब्रिज है, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है जो हेरिटेज प्रिजर्व करने के। तो आप कुछ भी एड़ा टेढ़ा या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बना सकते, या ऐसे कलरफुल भी ज़्यादातर नहीं बना सकते, तो इसीलिए पूरा यूके बहुत ब्यूटीफुल लगता है।
और ये सिटी सेंटर के अंदर कोई तो वॉरियर का स्टैचू है, पता नहीं कौन से वॉरियर का स्टैचू है, आगे जाके पता चलेगा फ्रंट साइड से। ये जो बहुत बड़ा स्टैचू है वॉरियर का, आप देख सकते हैं, ये है किंग अल्फ्रेड द ग्रेट का स्टैचू है, शायद से ये एरिया का किंग रहेगा। एक सुंदर सा छोटा सा पार्क है सिटी सेंटर के अंदर में, फ्लावर्स वगैरह। जेसिका इधर, फॉर मी ब्लैक कलर या इन कॉन। तो आइसक्रीम खा रहे हैं, नेचुरल फ्लेवर है। वहाँ पे ग्रीन पैच है ना, वहाँ पे बैठेंगे। तो पार्क में बैठे हैं अभी, हम अभी जा रहे हैं रिवर साइड पे, और रिवर साइड से पूरा ऐसे चक्कर मार के वापस से यही रोड पे आएंगे। तो रिवर साइड की साइड कुछ अच्छा है, एक लेडी ने हमें बताया। सो पूरा क्लियर वाटर है, ये कैनल है या रिवर है आई डोंट नो, पूरा क्लियर वाटर है ये, और पूरा फ्रेश लग रहा है। ये पूरा वुड का ब्रिज अभी बंद कर दिया है, वेरी ब्यूटीफुल। तो हम अभी जा रहे हैं कैथेड्रल, बहुत बड़ा लग रहा है कैथेड्रल। पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ह्यूज मैसिव स्ट्रक्चर है। Thank you.
सो मेरे पीछे देख सकते हैं विंसेस्टर कैथेड्रल, बहुत बड़ा कैथेड्रल है, रोमन है या कैथलिक है या प्रोटेस्टेंट चर्च आई डोंट नो, बट बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया डिटेल है। तो हम अभी कैथेड्रल के फ्रंट साइड पे पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं ये फ्रंट एलिवेशन है और उसके सामने एक मैसिव फ्रंट यार्ड है, पूरा ओपन है ताकि आप एलिवेशन प्रॉपरली देख सको। ये पुराना आर्किटेक्चर है जहाँ पे ऐसी सोच थी, आजकल नहीं है। भी है विंसेस्टर सिटी सेंटर के अंदर हाइक्रो स्ट्रीट पे, आप पीछे देख सकते हैं पूरा शॉपिंग एरिया है यहाँ पे। तो विंसेस्टर जो टाउन है हमने ख़त्म कर दिया है, तकरीबन 2 घंटे लग गए हमें पूरा टाउन घूमने में। अच्छा टाउन है, साउथ का ये एक बढ़िया टाउन, अगर आप पोर्टमाउंट की तरफ जा रहे हो और आपको स्टे करना है तो ये एक टाउन है जहाँ पे आप रुक सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो हम अभी निकल रहे हैं, हमारा अगला डिस्टिनेशन पोर्टमाउंट, यहाँ से तकरीबन 1 घंटे के अंदर का सफ़र ही है, तो देखते हैं, आपको अपडेट करता हूँ। आज हमारा दूसरा दिन है, दूसरा दिन का फर्स्ट डेस्टिनेशन, और अभी हम अपनी पार्किंग प्लेस की तरफ जा रहे हैं, मल्टी स्टोरी पार्किंग जहाँ पर हमने पार्क किया है। 2 घंटे का ही पार्किंग, अगर ज़्यादा पार्क कर दिया तो फिर फाइन आ जाएगा घर पे। तो चलो सी यू सून पोर्टमाउंट में। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और मेरी चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि मेरे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।